सो वेलकम बैक दोस्तों, क्या हालचाल है। एक और नए वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वन प्लस की नॉर्ड सीरीज इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है एंड वन प्लस की नॉर्ड सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में काफी ज्यादा सेल आउट होते हैं। तो यहाँ पर वन प्लस इस बार नॉर्ड 3 के साथ बहुत सारे न्यू अपग्रेड करने वाला है। लाइक इस बार नॉर्ड 2 का सक्सेसर वन प्लस नॉर्ड 3 बेस्ट स्मार्टफोन होगा इंडिया के अंदर। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो वन प्लस नॉर्ड 3 के लिए, तो फाइनली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज इस वाली वीडियो में वन प्लस नॉर्ड 3 की स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही टेक वीडियो आपको फ्यूचर में दे सके। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक Samsung E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि FHD+ रेजोल्यूशन और HDR 10+ के साथ आएगा, जहाँ पर डिस्प्ले का साइज 6.62 इंचेस का होगा, जिसमें इस बार आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंड इसी के साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल वन प्लस के AMOLED पैनल काफी कमाल के होते हैं। चलिए और बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो इसके रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा सोनी IMX766 सेंसर वाला विद OIS के साथ, क्योंकि ये सेंसर वन प्लस अपने फ्लैगशिप और मिड फ्लैगशिप स्मार्टफोन में दे रहा है। तो मे बी इस बार इसमें एक न्यू सेंसर देखने को मिल जाए, प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैमरा सेटअप काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं फ्रंट साइड में एक सिंगल पंच होल जो कि हो सकता है कि इस बार टॉप सेंटर में होगा, जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 का पावरफुल 5G चिपसेट। ये जो चिपसेट है वो क्वालकॉम का लेटेस्ट और काफी पावरफुल चिपसेट है, जो अपने आप में ही काफी अच्छा प्रोसेसर और काफी कमाल की परफॉर्मेंस दे देगा। एंड रैम स्टोरेज यहाँ पर आपको 6/128/8/128GB तक का रैम और स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा। LPDDR4X रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट मिलने वाला है और इस डिवाइस में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल तक का होगा। एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ ऑक्सीजन OS 13 पर रन करेगा, तो नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और इसको चार्ज करने के लिए 18 वाट के फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बेसिक फीचर की बात करते हैं, तो इसमें आपको टाइप सी पोर्ट, डुअल स्पीकर एंड अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप बात करते हैं इसके लुक और डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको एकदम न्यू लुक और डिजाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पीछे एक साइड ग्लास पैक दिया जाएगा और स्मार्टफोन देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है। फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन की अभी कोई लॉन्च डेट तो नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों, इसकी बेस फ्रेंड की प्राइस लगभग 30,000 के आसपास रहेगी। और वैसे आपकी क्या राय है ये स्मार्टफोन को लेकर, कमेंट बताइएगा जरूर। और ये भी बताइएगा कि आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।